नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जीके पॉइंट पर। जीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेट जीके पॉइंट से भी जुड़ जाए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है या कब हुआ है? 13 से 15 जून के बीच में आयोजित हुआ है। G7 की पहली शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? फ्रांस में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 1975 में आयोजित की गई थी। G7 में कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और यूके हैं। 1998 में किसके शामिल होने से G8 बन गया था? रूस के शामिल होने से G8 बन गया था। 2014 में रूस को G8 से अलग कर दिया गया था। G7 का प्रमुख एजेंडा क्या है? जलवायु परिवर्तन और विकास, गाजा में युद्ध विराम, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, प्रवास इटली में अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धि ऊर्जा, अफ्रीका भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित किया जाना। G7 शिखर सम्मेलन 49 का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था और इसका आयोजन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फुमियो किशिदा ने की थी। G7 शिखर सम्मेलन 50वां 2024 की अध्यक्षता किसने की है? जॉर्जिया मेलोनी ने की है या इटली की प्रधानमंत्री हैं। G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? 6 देश थे। G7 में कनाडा किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? 1976 में सम्मिलित हुआ था। G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा। G7 में शामिल होने वाले 7 देशों के प्रमुख, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलोफ स्कोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, यूके के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, यूरोपीय संघ के उर्सिला वान डेर लेयन और चार्ल्स मिशेल शामिल हुए हैं। G7 सम्मेलन 2024 में आमंत्रित देशों के प्रमुख, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तिबोना, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इंसियो लूना दा सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अद कजोनी, टूनिशिया के राष्ट्रपति के सईद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दवान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। G7 सम्मेलन 2024 में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख, अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष अकिन बूमी आदेसीना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष CMD क्रिस्टीना जॉर्जिया, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियम कोलमैन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। G7 में भारत कितनी बार भाग ले चुका है? 11 बार भाग ले चुका है, जिसमें 5 बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 बार भाग लिया है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बार भाग लिया है। G7 में पहली बार आमंत्रित किए जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नमस्कार दोस्तों।